चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जाम अब आने वाला है उन सारे एग्जाम में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हम लोग पार्ट वन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को पढ़ा, 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया और हमने आपसे कहा था कि जो हमारा रेस्ट क्वेश्चन है, जो बच गया क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन इसके अलावा बच गया था, है ना, इस चैप्टर में जो भी बचा हुआ क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाएं और सबके सब स्टूडेंट्स को क्या करना है, आंसर टाइप करना है, जैसा कि आप लोग कल कर रहे थे, है ना दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने एक काम किया दोस्तों, जो हमारा ये वाला आप जो देख पा रहे हैं इसमें जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ना, जिस तरह से कल था फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था दोस्तों, 1 से लेकर 30 तक आपका वही क्वेश्चन मिलने वाला है जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आज के लिए होगा। तो हमने क्या किया, एक में ही दोनों को क्या करवा दिया, जुड़वा दिया, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। जो बच्चे भी देख पा रहे वो तो ठीक है, जो नहीं देख पा रहे उसको बाद में कुछ झेलना ना पड़े किसी परेशानी को, उन बच्चों के लिए हमने क्या किया, एक में ही सारे क्वेश्चन को जुड़वा दिया है। तो यहां से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन यही है दोस्तों, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ध्यान से करना है, आपके स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आ गया है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, सारे स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप फटाफट क्वेश्चन को देखें और तुरंत देखने के तुरंत बाद आप क्या करें, क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। और हमारे जो पहला क्वेश्चन है आज का पहला, और उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 31, लेकिन आज के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला है, है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन कहता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। लेंस की जो क्षमता है दोस्तों वो कितना है, 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो दिया हुआ है दोस्तों 1 डायोप्टर। बहुत अच्छा। तो कह रहा है क्वेश्चन में, उस लेंस की फोकस दूरी बताइए, एफ, एफ का वैल्यू हमको बताना है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम ऑप्शन को देखना चाहेंगे तो ऑप्शन अगर हम देखें तो प्लस माइनस और कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि उत्तल लेंस में होता है ना जो फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी वो किस में होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर तो पॉजिटिव वाला ही होगा, तो पॉजिटिव वाला भी डबल डबल, एक ऑप्शन नंबर ए और दूसरा ऑप्शन नंबर सी। आंसर तो या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है। अगर कोई बच्चा बी या डी टाइप किया है तो उसका तो होगा ही नहीं, या तो ए होगा या क्या होगा दोस्तों, सी होगा। तो क्या होगा उसकी बात हम लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है, 1/f, वो भी किसमें दोस्तों, मीटर की बात करते हैं ना, है ना, मीटर में होता है। पी का वैल्यू दे रखा है कितना, 1 डायोप्टर। तो पी की जगह आप लिखें 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। अगर हम f की बात करें तो f इक्वल टू 1/1 मतलब 1, वो भी किस में, मीटर में। लेकिन आंसर किसी का मीटर में दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ना दोस्तों 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और वो भी फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दोनों की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, -15 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा।
कहता है दर्पण तथा लेंस संभवतः है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कौन सा दर्पण और कौन सा लेंस संभव है, जबकि उस लेंस या उस दर्पण का जो फोकस दूरी है वो है -15 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से क्लास को याद करेंगे तो आपको क्लास में बताया गया था कि अगर हम अवतल लेंस की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, अवतल लेंस, अगर लेंस में हम लोग अवतल की बात करें, किसकी बात करें अवतल, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है ना दोस्तों, इसकी फोकस दूरी किस में होती है, ऋणात्मक होती है, किस में होती है, ऋणात्मक में होती है। और अगर दर्पण में भी हम लोग अवतल की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों अवतल की बात करें, तो अवतल दर्पण में भी आप अगर चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो उसका जो फोकस दूरी होता है वो भी किस में होता है, ऋणात्मक होता है। तो क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी किस में है दोस्तों, -15 सेंटीमीटर, मतलब नेगेटिव दिया हुआ है, यहां पे माइनस लगा हुआ है। तो कहता है वह दर्पण और लेंस क्या हो सकता है, तो आप यहां से समझ सकते हैं लेंस में अगर अवतल होगा तो उसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, दर्पण में अगर अवतल होगा तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों क्या होगा, अवतल होगा, लेंस भी हमारा अवतल वाला होगा और दर्पण भी हमारा क्या होगा दोस्तों, अवतल वाला होगा, है ना। चलिए तो 32 आज का क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 और आज का क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर टाइप कीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आप अगर परावर्तन की बात करेंगे, कल का जो क्वेश्चन था उसमें हमने ऐड किया था प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो कितने नियम होते थे, दो, कितने नियम थे, दो, और आज हमने इसमें ऐड कर दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, यहां पे अपवर्तन आ गया है, तो परावर्तन के है या अपवर्तन के है, तो परावर्तन के भी दो नियम और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं दोस्तों, दो नियम होते हैं। आपको याद होगा एक नियम क्या होता है, पहला नियम क्या होता है, सबको पता होगा पहला नियम क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा अपवर्तित किरण होती है, आपतित किरण होती है ना, और जो अविलंब होता है वो सब के सब क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। और इसी में हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, अपवर्तनांक के बारे में, है ना, अपवर्तनांक का भी चर्चा यहीं पे आके होता है, जिसको हम लोग स्नेल के नियम से, स्नेल नियम के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं साइन आई बटा साइन आर, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का एक क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, वो अपवर्तनांक में भी हम लोग सीखते हैं। तो पहला नियम हमारा वो वाला, कोण वाला, एक तल में होता है, और दूसरा नियम हमारा कोण वाला, है ना, या उसको स्नेल का नियम कह सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 4 या 34 आप कह सकते हैं, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अभी अपवर्तनांक की बात हम लोग कर रहे थे, जो स्नेल का नियम हम लिखे थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम में, जो हम लोग स्नेल का बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने अभी अपवर्तनांक का बात किया। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं दोस्तों, म्यू से, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू, और ये होता है दोस्तों आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का एक निश्चित अनुपात, जिसको हम लोग साइन आई बटा साइन आर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, साइन आई बटा साइन आर। तो ऐसा कहीं आपको अगर दिख रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ है, साइन आई बाय साइन आर लिखा हुआ है, और दूसरा अगर देखेंगे तो साइन आर बटे साइन आई, अपवर्तन कोण की जिया बटे आपतन कोण की जिया, ये तो संभव नहीं है। साइन आई इंटू साइन आर ये भी संभव नहीं है, और ये तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। सबसे पहले इस उत्तल लेंस की बनावट को हम लोग देखते हैं, इस तरह की बनावट होती है। जब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाला भाग होता है ना दोस्तों, वो पतला होता है। क्या होता है? पतला। और बीच वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। किसके कंपेयर में? ऊपर वाले भाग के कंपेयर में थोड़ा सा कुछ अंतर रहता है। तो अगर हम इसके ऑप्शन को देखें, सभी जगह समान मोटाई का बिल्कुल नहीं होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा होता ही नहीं है, है ना, किनारों पर मोटा नहीं होता है, क्या होता है? पतला होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बिल्कुल किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा। किनारा कैसा होता है? पतला होता है, और बीच क्या होता है दोस्तों? मोटा होता है। तो इस प्रकार की जो बनावट होती है जिस लेंस की, वैसे लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए, तो सब आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। अवतल लेंस का आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर होता है किसके? तो m बराबर क्या होता है दोस्तों? v बाय u। m बराबर क्या होता है दोस्तों? v बाय u। यह यूज करते हैं हम लोग किसमें? लेंस में। किसमें करते हैं? लेंस में। अगर मिरर की बात हो, किसकी बात हो दोस्तों? मिरर की, दर्पण की बात की जाए तो दर्पण में आपको याद रखना है m बराबर क्या होता है? माइनस वी बाय u। चलिए दोनों बात आपको हमने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर होता है किसके? वी बाय u के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ गया है। चलिए इसका आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका डेरिवेशन भी हम लोग क्लास में देख चुके हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकस में जो अंतर होता है, फोकस की जो दूरी होती है ना, दूरी, दूरी की बात यहां पर हो रही है। जो एफ है, एफ बराबर हम लोगों ने सीखा आर बाय क्या होता है दोस्तों? टू। एफ बराबर आर बाय क्या होता है? टू। मतलब जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी के दो गुने के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? फोकस दूरी के दो गुने के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है, है ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दो गुने होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर बराबर टू एफ, ये तो है, ये तो बिल्कुल है। एफ बराबर आर, ये तो संभव है ही नहीं। एफ बराबर टू बाय आर, ये भी संभव नहीं है। आर बराबर एफ बाय टू, ये भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप जब दर्पण पढ़ रहे होंगे तो दर्पण में आप लोगों ने पढ़ा होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अवतल दर्पण के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखाया गया होगा, उसमें आप देखे होंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टी में, सोलर कुकर में भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ए, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों,
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आप लोग आंसर टाइप कीजिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सबका आंसर आना चाहिए, 38 का आंसर, सॉरी 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो आप उत्तल लेंस बनाइए, और उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आपको हम बताए थे उत्तल लेंस का मतलब अवतल दर्पण, उत्तल लेंस का मतलब अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को आप याद कीजिए, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक। जब अवतल दर्पण को हम उत्तल लेंस कल समझा रहे थे ना कैसे होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक मतलब उल्टा, याद रखने आपको। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो ये हमेशा कैसा होगा दोस्तों? उल्टा होगा। प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बन रहा है, कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है, तो ये हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। ये बात आपको याद रखना है। अगर वास्तविक की बात की जाए तो वो उल्टा होगा, काल्पनिक की बात की जाए तो वो क्या होगा? सीधा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, और जब वास्तविक है तो वो कैसा होगा? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस में जब बिंब, बिंब का मतलब समझते हैं ना, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु, याद रखिएगा, बिंब का मतलब वस्तु, एफ और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? किसमें रखा गया है? उत्तल लेंस में। किसमें रखा गया है? उत्तल लेंस में। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर उत्तल लेंस में है तो मैक्सिमम उसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो वास्तविक वाला ही, अच्छा, वास्तविक वाला भी डबल 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 ऑप्शन में है, काल्पनिक वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन का कटैया कीजिए यहां से, ये तो कभी संभव नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब दोनों में वास्तविक है, एक में कह रहा है बड़ा बनेगा, एक में कह रहा है छोटा बनेगा। स्थिति देखिए कहां रखा गया है, F और 2F के बीच। मान लीजिए यहां एफ डैश है, यहां पर 2F डैश है, इसके बीच में किसको रख दिया है? प्रतिबिंब को रख, सॉरी बिंब को रख दिया। किसको रख दिया है? बिंब को रख दिया। मान लीजिए ए बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको रख दिया। और मान लीजिए लेंस कहां है दोस्तों? यहां लेंस है ना, यहां लेंस। अब कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक आपतित किरण लाते हैं, वो भी कैसा कैसा लेके आते हैं? प्रधान अक्ष के समानांतर। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समानांतर हम एक किरण लेके आते हैं, जिस किरण का नाम क्या है दोस्तों? आपतित किरण। वह कहां से होकर गुजरती है? तो आपको याद होगा हमने बताया आपको फोकस से होकर, मान लीजिए ये फोकस है तो यहां से गुजरती है ना दोस्तों। और दूसरा काम क्या करते हैं? ये हमारा मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर है, बीच वाला पार्ट है ऑप्टिकल सेंटर ओ। और दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं? दूसरा काम हम लोग करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से क्या करते हैं? आपतित किरण को गुजारते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप गुजारिए, जब ऑप्टिकल सेंटर से आप गुजारेंगे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं क्या बन जाएगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब जितना दूर जाएगा उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, जितनी लंबाई को कवर करता हुआ वह दोनों किरण जितना दूर आएगा नीचे, प्रधान अक्ष से जितना नीचे आएगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। तो अब ऐसी बात है, दूर जा रहा है इसका मतलब दूर में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और जब दूर में इंटरसेक्ट करेगा तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर क्या 41 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन कहता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को, वक्र वाला बात कर रहा है ना, तो वक्रीय पृष्ठ से घिरा हुआ ठोस माध्यम क्या कहलाता है? अगर हम इस तरह से बनाए तो ये तो हो गया कॉन्वेक्स,
जिसको उत्तल कहते हैं, अगर हम इस तरह से भी बनाएं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं, जिसको हम लोग कॉनकेव कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है दो वक्रीय पृष्ठ आपस में जब जुड़ेगा या तो अवतल बनेगा या तो उत्तल बनेगा, यही बन सकता है ना, या तो उत्तल बने या तो अवतल बने, वो भी क्या, लेंस। क्या बनेगा दोस्तों, लेंस। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो लेंस की बात है, उत्तल अवतल किसका भाग होता है, वो गोलीय लेंस का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए इसका आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, किधर वक्रित हो दोस्तों, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ वक्रित हो, यह इनर सरफेस हो गया और वो आउटर सरफेस। दर्पण के भी दो सतह होते हैं, एक होते हैं आंतरिक सतह और एक होता है बाहरी सतह। क्या होता है दोस्तों, बाहरी सतह। तो क्वेश्चन में कह रहा है जब बाहर की तरफ वक्रित हो, तो बाहर की तरफ जब वक्रित होता है तो ऐसा डायग्राम बनता है, और ऐसे डायग्राम वाले को क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण। तो कहीं दिख रहा है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, लगता है कुछ बच्चा सो गया क्या, उसको जगाने का काम करो, है ना दोस्त, क्योंकि हम शुरुआत में ही बोल दिए, जो सोया तो खोया, जो जागा सो पाया, है ना। एक थॉट याद आ गया, सिद्धार्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कहा गया है सिद्धार्थ जागा तो बुद्ध बना। ध्यान से सुनिएगा, सिद्धार्थ जागा तो बुद्ध बना, है ना, सिद्धार्थ जागा तो बुद्ध बना, अशोक जागा तो सम्राट बना, भीमराव अंबेडकर जागे तो एक राष्ट्र बना, और हम आप जागेंगे तो एक देश बन जाएगा। तो हम लोगों को सोना नहीं है, क्या करना है, जगना है। जगने का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात जगे रहे, हम वैसे जगने वाली बात नहीं कर रहे हैं। जगने का मतलब है कि अंदर से आप एक्टिव रहे, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप तरोताजा बन कर रहे हैं, है ना, तभी जाकर के आप वहां पर अपने बल पर कुछ भी करने का प्रयास कर सकते हैं। आजकल क्या होता है ना दोस्तों, आदमी सिर्फ और सिर्फ यह सोचता है कि हमारा भाग्य खराब था इसलिए हमारा रिजल्ट ये नहीं हो पाया, हम इसमें छटा गए, हम इसमें कम हो गए, हमारा मार्क्स इतना कम आ गया, इसका कारण विधाता ही है, भगवान मेरे भाग्य का ही नाश कर दिए हैं, मेरा नसीब ही खराब है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं, गीता में साफ साफ लिखा गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधी सी बात, जैसा कर्म रहेगा, मेहनत जितनी आपकी शिद्दत से होगी उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। मेहनत आप नहीं करेंगे तो फिर आप रिजल्ट की भी, रिजल्ट के बारे में तो आप सोचना ही बंद कर दीजिए। कर्म आप करेंगे नहीं, सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो, तो ये कदापि संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव, ये कभी हो ही नहीं सकता, है ना दोस्तों। इसलिए कर्म, कर्म पर आप ध्यान दीजिए, आपका अभी का कर्म क्या है आप उसके बारे में सोचिए। अभी बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं, वो चाहेंगे कि हम अपने रिजल्ट को बेहतर बना लें, तो आपको लगता है कि उसका रिजल्ट कभी बेहतर होगा। और जो बच्चे अभी जग कर पढ़ रहे हैं, वो अगर ऐसी आशा रखता है कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो, ऑब्वियस सी बात है वो बेहतर होगा, है ना दोस्तों। इसलिए जो सो गया है, आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को भी जगाने का काम करें, उन लोगों को भी जगा दें, और ताकि वो अपने टारगेट को भूले ना, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो गलती ना करे और क्लास में अटेंड रहे और क्लास को क्लास के तरह करे, है ना दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। एक दर्पण है,
जिसका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक, मान लीजिए गोलीय दर्पण है ये, इसके परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां पे मान लीजिए ये इसकी बात करे या इसकी बात करे या इसकी बात करे या किसी की भी बात करे, के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। अच्छा, मान लीजिए अगर ये सरफेस है, अगर इस सरफेस की हम बात करते हैं तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, कहता उसको क्या कहा जाता है। याद कीजिए, हम जब अवतल या उत्तल बनाते हैं तो ये भी तो गोला का एक भाग ही होता है। अगर इसके मध्य वाले भाग पर एक बिंदु आपको नजर आता है तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो आप सबके सब जानते हैं इस बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्रुव। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी से। पी मतलब पोल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? वी बाय यू होता है ना दोस्तों लेंस में। अगर हम इस वी के मैग्नीट्यूड की बात करें, या तो हम इसको मीटर में लेंगे तो इसको भी मीटर में लेंगे, इसको अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो इसको भी मीटर या सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। आप भी को अगर मीटर में ले रहे हैं तो यू को भी मीटर में लीजिए, मेजर कीजिए। अगर भी को आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो यू को भी आप किस में मेजर कीजिए? सेंटीमीटर में मेजर कीजिए। आपस में उसका जो भी यूनिट है दोस्तों, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट ही कर देगा। जब कैंसिल आउट कर देगा तो कुछ बचेगा? कुछ बचेगा नहीं। जब कुछ बचबे नहीं करेगा तो मात्रक इसका होगा? मात्रक होगा नहीं। तो मात्रक जहां नहीं होता वैसे को कहा जाता है मात्रक विहीन। क्या कहा जाता है? मात्रक विहीन, जिसको हम लोग यूनिटलेस क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिटलेस क्वांटिटी। तो कहीं मात्रक विहीन आपको दिख रहा होगा, तो मात्रक विहीन इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दोस्तों, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? अच्छा, लेंस का केंद्रीय, जैसे मान लीजिए हम अगर उत्तल लेंस ही बनाते हैं, ये मान लीजिए कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अगर हम उत्तल लेंस की ही बात करते हैं तो इसका केंद्रीय बिंदु, केंद्र समझते हैं ना, बिल्कुल बीच वाला भाग, तो बीच में मान लीजिए यहां पर ये वाला भाग बीच वाला है, इसको हम लोग ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ। और ओ को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 45 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटा अक्षर पढ़ने के लिए, तो छोटा अक्षर पढ़ने के लिए हमको ऐसा लेंस चाहिए जो बड़ा बड़ा दिखाए। छोटा अक्षर पढ़ने के लिए हमको कैसा लेंस चाहिए? उस प्रकार का लेंस चाहिए जो बड़ा बड़ा दिखाए। तो वैसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैसे लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल। तो या तो यहां है उत्तल है, या तो यहां है। अब जिसका पावर जितना अधिक होगा उससे हम लोग आसानी से पढ़ पाएंगे, उससे हम लोग आसानी से देख पाएंगे, सीधी सी बात है। तो पावर की अगर बात की जाए तो P बराबर होता है 1/f। क्या होता है दोस्तों? P बराबर 1/f। अब फोकस दूरी जिसका जितना अधिक होगा, ध्यान से देखिए, फोकस दूरी जिसका जितना अधिक होगा उस लेंस की क्षमता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। हमें तो क्षमता ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा क्षमता रहेगा तब ना देख पाएंगे, है कि नहीं? छोटे अक्षर को पढ़ पाएंगे। अगर लेंस की क्षमता, अगर लेंस का कैपेसिटी ये खत्म हो जाए, चश्मा लगाए हैं लेंस ये खराब हो गया, उसका कैपेसिटी ये खत्म, पावर ये खत्म है, तो लेंस किसी काम का होगा? चश्मा किसी काम का होगा नहीं। तो फोकस दूरी जिस लेंस का कम होता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है।
तो हमको क्षमता अधिक वाला चाहिए कि क्षमता कम वाला चाहिए? तो आप लोग कह सकते हैं कि हमको क्षमता अधिक वाला चाहिए। तो क्षमता अधिक उसी का हो सकता है जिसका फोकस दूरी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्षमता अधिक उसी का हो सकता है जिसका फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। तो कम फोकस दूरी वाला बी में है कि डी में है? तो आप कह सकते हैं कम फोकस दूरी वाला कहां है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र याद है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऐसा कहीं लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग कौन सा सूत्र कहते हैं, दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र कहते हैं दोस्तों, दर्पण सूत्र। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लिखा हुआ रहे तो ऐसे को हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र कहते हैं, लेंस सूत्र। तो हमको यहां पे कौन सा सूत्र पूछा जा रहा है, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखिए कहीं है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है गोलीय दर्पण, यहां पे गोलीय या छूट गया है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से किस वर्ड से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। किसको, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। तो दर्पण है उसका अगर वक्रता केंद्र कहेगा तो उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों, सी, सी मतलब सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल, छाल नहीं होगा यहां पे, क्या होगा, चाल, क्या होगा दोस्तों, चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यह चाल प्रकाश की सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है, याद रखना। चलिए और एक बात याद रखना है, ध्वनि की चाल, ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की चाल निर्वात में होती नहीं है, निर्वात में नहीं होती, मतलब जहां हवा नहीं है वहां ध्वनि उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, वहां आवाज उत्पन्न ही नहीं हो, वहां वाइब्रेशन होता ही नहीं, अब वाइब्रेशन ही नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा ही नहीं, ये दो बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कहता है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर द्वारा नाक कान गला इन सारे चीजों का इलाज, वो बेचारा जो दर्पण ला के करता है उस दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, अगर 51 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। लेंस जितना पतला होगा उसका आवर्धन क्षमता जो है मैग्निफिकेशन पावर उतना ही कम होगा, लेंस जितना मोटा होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है, क्या होती है दोस्तों, कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, यहां पे कह रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, पतले लेंस की अपेक्षा अधिक, तो यहां पे हो जाएगा अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, चलिए अब देखिए यहां पे दोस्तों क्या होता है ना, अगर हम स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हैं, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य का जो ये मस्तिष्क होता है ना, यह अछोर पुस्तकालय का भंडार होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों वह क्या होता है, अछोर पुस्तकालय का भंडार होता है, मतलब इसमें सारी विद्याएं होती हैं, ऐसी कोई विद्याएं नहीं जो इस ब्रेन में नहीं है।
बस हमें क्या करना होता है, वैसे माहौल में ढलना होता है। आप अगर इस मस्तिष्क से चोर विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो आप अवश्य चोर बन जाएंगे। अगर आप इसमें किसी भी फील्ड की विद्याएं को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप उन सारे फील्ड की विद्याओं को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आप में भरा पड़ा है, वो आपके ब्रेन से बाहर नहीं है, है ना, सब आपके अंदर ही है, बशर्ते कि हमें उस चीज को खोजना होता है, बशर्ते कि हमें उस चीज को निकालना होता है ना। तो इन चीजों को अगर हम लोग समझ लेंगे ना, जिस दिन ये बात हमारे समझ में आ जाएगी कि सारी चीजें हमारे ही अंदर है, तो आप उसी दिन सबसे बेहतर बन जाएंगे, सबसे महान बन जाएंगे, बशर्ते कि ये चीज हम लोग समझ ही नहीं पाते, है ना। तो इन चीजों को भी समझने का प्रयास करें, अपने को समझने का प्रयास करें, पिछले क्लास में भी हम लोग यही बात किए थे, खुद को समझने का प्रयास करें, खुद को आप समझाएं, खुद की कमी को आप निकालें, जहां आप में कमी है उन कमी को आप क्या करें, दूर करने का प्रयास करें, तब जाकर के आप क्या हो पाएंगे, लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे, एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। अदरवाइज फिर दुनिया तो रंगमंच है ना, यहां तो कई आए कई गए और नाम उन्हीं का रह गया जिन्होंने कुछ कर पाया, जो कुछ किए उन्हीं का आज संसार में कीर्ति फैला हुआ है कि नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, तर अवतल दर्पण है उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण में छह तरह का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति छह तरह की होती है, आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर वो ध्रुव और फोकस के बीच है, ध्रुव कहाँ होता है, कहीं ना कहीं ये ध्रुव है, मान लीजिए दर्पण है तो ये ध्रुव है, ये दर्पण है तो ये ध्रुव है, फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना दोस्तों। जब यहां पर हम क्या रखेंगे, एक लड़का को मान लीजिए हम खड़ा कर दिए, यहां पर पूछेगा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो बात करते हैं, एक तो लेके आते हैं ऊपर से और ये जाना चाहेगा कहां से, यहां से, और दूसरा दूसरा हम कहां से गुजारते हैं, तो दूसरा अगर हम मान लीजिए प्रधान अक्ष के समानांतर नहीं, अगर हम फोकस पर लेके आए तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट करके पीछे कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, तो जहां मिलता है वहीं प्रतिबिंब बन जाता है, और जहां प्रतिबिंब बना और इस तरह से इस स्थिति में जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वैसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है, काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है तो वो कैसा होता है, सीधा होता है, वास्तविक बनेगा तो वो कैसा होगा, उल्टा, याद रखना है, काल्पनिक बनेगा तो वो कैसा होगा, सीधा, और काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आभासी और उल्टा, आभासी कभी उल्टा हो नहीं सकता है, आभासी एवं सीधा ये सही है, काल्पनिक एवं सीधा ये भी सही है, अच्छा सभी सभी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी और सी, क्योंकि आभासी को हम लोग काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक आभासी दोनों एक ही बात है ना, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। उत्तल लेंस है, फिर से उत्तल लेंस का मतलब अवतल दर्पण है ना दोस्तों, उत्तल लेंस का मतलब अवतल दर्पण, लेकिन इस बार रखा कहां है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, मान लीजिए यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है और यहां एवडेस है, इसके बीच रख दिया किसी को, अभी अवतल दर्पण वाला ही बात कर रहे थे ना, अब कहता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन जब वह ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होता है तब जो उसका प्रतिबिंब बनता है ना दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक बनेगा तो सीधा होगा, यहां भी वही वाला बात हो गया, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, दोनों ऑप्शन हो जाएगा, तो बी और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज द राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है दोस्तों, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अच्छा फोकस पर जब हम प्रतिबिंब को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो कहां बनता है, अनंत में बनता है। कहां बनता है, अनंत पर बनता है। सीधी सी बात, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा उत्तल लेंस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, उत्तल लेंस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहां होगा, तो जो हाल हमारा कहां था दोस्तों, अभी जो हम लोग देखे थे किसमें, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उसी तरह से हमारा उत्तल लेंस वाला बात हो गया। तो अगर फोकस पर हम उत्तल लेंस में क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं, बिंब को रखते हैं, बिंब तो दिया हुआ नहीं है, किसको रखते हैं, किसी वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर ही बनता है। कहां बनता है दोस्तों, अनंत पर ही बनता है। रे डायग्राम में आप लोगों ने देखा ही होगा, अनंत पर ही बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 ये कहता है आपका, अवतल लेंस के मुख्य फोकस, अच्छा मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस है, ठीक है, उसका फोकस है, फोकस पर अगर हम क्या करते हैं, ये आपका अवतल लेंस है, अगर इसके फोकस पर क्या करते हैं हम, मान लीजिए ये फोकस है, यहां पर हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कहां बनता है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, कहीं ना कहीं यहां बनेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, फोकस पर रखता है तो अनंत पर बनता है, अनंत पर रखेगा तो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, सीधी सी बात। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने स्क्रीन पर है, तो चलिए इसका आंसर टाइप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 फटाफट आंसर कीजिए। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, अभी तुरंत बताया, अनंत पर बोलेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर बोलेगा तो अनंत पर बनेगा, तो जा यहां क्या बोल रहा है, अनंत पर, अनंत वाला बात कहां आ जाएगा, फोकस पर। तो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन कहता है दोस्तों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। देखिए यहां पे दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है, अगर मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन में श्वेत प्रकाश जोड़ देता, अगर कौन सा प्रकाश जोड़ देता, श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश वाला बात याद है ना, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को क्या किया जाता था, गुजारा जाता था, तो वह 7 रंगों में बट जाता था। कितने रंगों में बट जाता था, 7 रंगों में बट जाता था। लेकिन यहां पे व्हाइट लाइट की बात कर नहीं रहा है, यहां पे कह रहा है प्रकाशिक केंद्र से जब गुजारेगा तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से जब गुजारेगा ना दोस्तों, तो अपवर्तन के बाद वह सीधी रेखा में गुजरती चली जाएगी और वहां पे विचलन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिना विचलन के निर्गत होती है, बिना विचलन के निर्गत, जब अपवर्तन हो गया तो फिर विचलन नहीं होगा, तो फिर सीधा हो जाएगा, बिना विचलन के क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। अगर कहता श्वेत प्रकाश वाला बात तो फिर वहां पे डेविएशन हो सकता था, 7 रंग वाला बात हो सकता था, लेकिन ऐसा कहा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर।
तो हमने आपको प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से 60 क्वेश्चन करवाया, और इन 60 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो हमें जहां तक उम्मीद है, अगर इस चैप्टर से, फिजिक्स के इस चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाए तो एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगी, क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं हो सकती है। अगर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन अगर आप समझ लिए होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता है ना दोस्तों। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्लास का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा हमारा मानव नेत्र पर। किस पर होगा दोस्तों? मानव नेत्र। इस पर हम लोग बात करेंगे, और जिस तरह से हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है, उन क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया। ठीक इसी तरह से मानव नेत्र से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और जिसकी संभावना है, जिसकी क्या है दोस्तों? संभावना है कि वो पूछा जा सकता है। उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक इसी तरह से करते चले जाएंगे, है ना दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री में। तो मैं प्रयास करूंगा या तो कल आपके सामने फिजिक्स का मानव नेत्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो क्वेश्चन की संभावनाएं हैं कि पूछी जाएंगी उन क्वेश्चन को लाने का, या फिर केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर, जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या जी समीकरण, या तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का कल सॉल्यूशन करवाया जाएगा या फिर फिजिक्स के मानव नेत्र का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इस तरह से आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत ही नजदीक है। अगर अभी भी आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो अब से लेकर तब तक लगे रहना है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना, जब आप क्लास रेगुलर करते रह जाओगे, कंटिन्यूटी आप में रह जाएगी, जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि आपने मेहनत किया है। और जो मेहनत करता है दोस्तों वो कभी अनसक्सेस नहीं होता, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं उन लाखों बच्चे से बेहतर ही होता है ना दोस्तों। इसलिए आप लोगों को इसी तरह से मेहनत करना है, और आप लोग इस तरह से अपडेट रहें, अपने आप को अपडेट रखें और क्वेश्चन को देखते रहें, क्वेश्चन को एक बार नज़र से दोहराते रहें। अगर क्वेश्चन को बार बार देखेंगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को देखते रहना है, नज़र से दोहराते रहना है। जब आप क्वेश्चन को देखते रहेंगे, नज़र से दोहराते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों को क्लास में अटेंड रहना है। आज तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, और संभव है कि डिस्टर्बेंस क्या कीजिएगा, ये तो आर्टिफिशियल है ना, कुछ भी हो सकता है। जब नेचर के साथ ऐसा हो सकता है तो आर्टिफिशियल में तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं, मैनमेड थिंग्स है, कभी भी हो जाएगा ऐसा। तो ये सब होता रहता है बीच बीच में। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, और तब तक के लिए आप सबों को बायोलॉजी के लिए, आप लोगों को बायोलॉजी का जो आपका वीडियो आएगा वो हमारे सर पढ़ाएंगे, जो गुलशन सर हैं वो बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक का, जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो करवाएंगे, है ना। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। तो पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी आपका हो रहा है, और हमें लगता है कि बायो का क्लास सैटरडे और संडे को रहेगा, सैटरडे और संडे को दो दिन आपका बायोलॉजी का क्लास होगा ही होगा, और उसमें लाइव प्रोसेस आपको, आपका पहला चैप्टर जो है वो आपका करवाया जाएगा, है ना दोस्तों। तो आपका शुक्रवार तक फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास रहेगा, है ना। फिर आपका बायोलॉजी भी हो जाएगा, आप लोगों का जैसा डिमांड है वो होगा। और सबों को मेरा गुड नाइट, और आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सबों को मेरा गुड नाइट। जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हुए थे सबको गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं उषा देवी। अब गुड मॉर्निंग तो होगा ही होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा।
तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।